बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ओके वन क्लास, टेक योर सिलेबस फाइल, ओपन योर पेज नंबर 1। ओके किड्स, आज हमने करना है सवाल नंबर 3, नाजरा का सवाल नंबर 3, बैतुल खला से निकलते वक्त की दुआ। कौन सा सवाल है? बैतुल खला से निकलते वक्त की दुआ, गुफराना का। ओके किड्स, बैतुल खला से निकलते वक्त की दुआ कौन सी है? गुफराना का। जब भी बैतुल खला से बाहर निकलें तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? गुफराना का। कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? गुफराना का। ओके किड्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 3। आज हम पेज नंबर 3 का सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 करेंगे। सवाल नंबर 10 है, मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? जवाब, दायां पाँव। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? दायां पाँव, यानी कि सीधा पाँव। ओके किड्स, जब भी मस्जिद में जाएं, मस्जिद में जाते वक्त सबसे पहले, मस्जिद में दाखिल होते वक्त सबसे पहले कौन सा पाँव रखना चाहिए? सीधा पाँव रखना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव रखना चाहिए? दायां पाँव, यानी कि सीधा पाँव। सवाल नंबर 11, इतनी सारी नेमतें देने पर हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? जवाब, इबादत करके। इतनी सारी नेमतें देने पर हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? जवाब, इबादत करके। ओके किड्स, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? इबादत करके, अल्लाह की तस्बीह करके, ओके, नमाज पढ़ के, इबादत करके अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ओके किड्स, आपने इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।